हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दिस इज ओमकार सिंह यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दी ओके मरैकल ऑफ़ इंग्लिश। फ्रेंड्स आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट वन डिस्कस करेंगे आपको बता दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस की गिनती माना जाता है मोस्टली इस पार्ट सेंटेंस चाहे ग्रामर से, <coughs> से संबंधित हों चाहे ट्रांसलेशन हो इसमें से अक्सर पूछा जाता है तो पार्ट फर्स्ट में पहचान देखते हैं पहचान में दिया हुआ है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए इत्यादि शब्द आते हैं दूसरा दिया था थी थे सका सके सकी आदि शब्द भी अंत में दिए जाते हैं नेक्स्ट है, इस टेंस के वाक्यों से आदत का भाव प्रकट होता है आदत का भाव मतलब भूतकाल में इससे आदत का भाव प्रकट होता है भूतकाल पास्ट में हैबिट अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट दिया है सभी वचनों के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स ध्यान रखना है चाहे एक वचन करता है चाहे बहुवचन करता है कैसा भी हमारा सब्जेक्ट्स है सबके साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना है फॉर्मूला देख लेते हैं सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदरबर्ड्स ये हमारा फॉर्मूला बनेगा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वह कल पत्र लिखती थी तो बाद में दिया ती थी ये हमारी पहचान है वह की अंग्रेजी सी अब बर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लिखने की अंग्रेजी राइट होती है राइट की सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स रोट पत्र की ए लेटर और कल की अंग्रेजी हो जाएगी ये देखिए पहले बता चुके हैं जो ट्रांसलेशन करने का नियम होता है पहले सब्जेक्ट लेते हैं फिर पीछे से बनाते चले जाते हैं जैसे हमारा सब्जेक्ट आ गया फिर लिखती थी रोट आ गया फिर पत्र की ए लेटर और फिर कल की ये पहले सब्जेक्ट लीजिए फिर पीछे से बनाते चले जाइए हमारा आसानी से ट्रांसलेशन हो जाता है तो सी रोट ए लेटर यस्टरडे ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा नेक्स्ट बन दिया है हमने कहानियाँ सुनाई तो ई आ गया बाद में सुनाई ई हमने की अंग्रेजी बी हम इसको ये भी कह सकते हैं हम कहानियाँ सुनाते थे ये भी सेंटेंस ही बन जाएगा तो हम या हमने की अंग्रेजी हो जाएगी बी अब सुनाने की अंग्रेजी टेल होती है टेल की सेकंड फॉर्म हो जाती है टोल्ड कहानियाँ की हो जाएगी स्टोरीज वी टोल्ड स्टोरीज हमारा सेंटेंस बन जाएगा बे अंग्रेजी पढ़ा सके अब देखिए सके शब्द आ गया तो सका सके की अंग्रेजी फास्ट टेंस में क्या आता है कुड का प्रयोग करते हैं सी ओ यू एल डी कुड पढ़ेंगे तो बे की अंग्रेजी हो जाएगी दे अब सके की पीछे से बनाना तो कुड हो गया अब ध्यान रखें कैन है कोड है मे है माइट है और भी हमारी मस्ट बोडो सोडो ये सब हमारी मॉडल्स कहलाती हैं सेल विल सोडो कोडो मे माइट मस्ट इन पर वीडियो अलग से हम बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे अधिक इतना समझिए इन सभी मॉडल्स के साथ क्या लगाते हैं हम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे भले ही पास्ट टेंस में दिया है क्योंकि तो हमने जो अभी आपके लिए फॉर्मेट कराया था फार्मूला दिया सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ये लिखा है ना फार्मूला तो फार्मूला का अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन जब कैन कोड माइट अर्थात मॉडल्स का यूज हो तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हम शॉर्ट में समझ सकते हैं मॉडल्स प्लस बी वन मॉडल्स के साथ हमेशा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे कुड अब पढ़ाने की अंग्रेजी टीच फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे क्या है ये बी बन है अंग्रेजी की हो जाएगी इंग्लिश दे, दे टीच इंग्लिश हमारा सेंटेंस हो जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स लड़कियाँ प्रतिदिन हॉकी खेला करती थी अब ये हैबिट प्रकट कर रहा है पास्ट की भूतकाल में हैबिट का वहाँ प्रकट कर रहा है खेला करती थी उनकी हैबिट थी किया करता था पिया करता था पढ़ा करता था ये सब क्या हमारे पास्ट या भूतकाल की हैबिट प्रकट करता है तो लड़कियाँ गर्ल्स अब देखिए खेला करते इनके साथ यूज टू लगाते हैं यूज्ड टू पास्ट में तो गर्ल्स यूज टू खेलने की प्ले हॉकी की हॉकी और प्रतिदिन की होगी डेली मतलब बना हमारा गर्ल्स यूज टू प्ले हॉकी डेली अब आपको एक चीज़ और बता दें जो यूज़ टू दिया है इससे आदत का भाव मतलब आदत का भाव प्रकट होने के लिए या आदत सो हो रही हो तो हम यूज टू का यूज करते हैं अब यूज टी के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं बुड़ का यूज भी कर सकते हैं ये भी बन जाएगा सेंटेंस गर्ल्स वुड प्ले हॉकी डेली यूज टू को हटाकर वुड का यूज भी हम कर सकते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस पास्ट की हैबिट प्रकट करेगा लेकिन ध्यान रहे यूज के यूज के साथ टू लगाएंगे बुड के साथ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि बुड हमारी वैसे मॉडल्स में शो होती है तो मॉडल्स के लिए हमारा बी वन आएगा सीधा प्ले आएगा तो बन जाएगा गर्ल्स बुड प्ले हॉकी डेली कि आपके समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें से जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है स्टूडेंट्स पांचवा एग्जाम्पल दिया मैं पढ़ाता तो था अच्छा सेंटेंस है तो था जब पढ़ाता तो था खाता तो था जाता तो था तो इसमें डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है थोड़ा इसके लिए जोर दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट हो गया आई फिर डिड और डिड के साथ क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है डू डिड डन तो ये ऐसे मान लीजिए सेकेंड फॉर्म का न, ना रूल पूरा कर दिया तो आई डिड टीच मैं पढ़ाता तो था। जब तोथा शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे डिड लगाएंगे डिड के साथ क्या करेंगे बी वन लगाएंगे ये इसका फार्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस बी वन ये इसका फार्मूला बन जाएगा जब तो शब्द दिया जाए मैं गाना गाता तो था वह किताब पढ़ती तो थी तो ऐसे अगर शब्द आते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद डेट लगाएंगे और बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा आई डेड टीच मैं पढ़ाता तो था ये आपके समझ में आ गया होगा नेक्स्ट चलते हैं बे चले गए थे या बे गए एक ही बात है या तो बे गए बोल दो या बे चलेगा दोनों का मतलब ये ही है तो चले गए थे या बे गए तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे और गए जाने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बेंट दे बेंट गो होती है सेकंड फॉर्म बेंट होती है थर्ड फॉर्म गौन होती है तो हमें इसमें बर्व की सेकंड फॉर्म लगानी है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा गाइस दे बेंट नेक्स्ट <laughs> बने तुम आ गए थे यासे तुम आए इसको तुम आए या तुम आ गए थे एक ही बात है तो तुम की अंग्रेजी यू और आने की कम होता है कम की सेकंड फॉर्म होती है केम तो यू केम हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेक्स्ट गाइस सीता सीता निबंध लिख सकती थी अब देखिए शक्ति आएगी तो सीता कुड लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट कोड के साथ क्या लगाएंगे बी वन लगाएंगे और निबंध की एन ए सीता कुड राइट एन ऐसे तो ये आपके समझ में आ गया होगा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और दिया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे प्रत्येक बनने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो